हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। हेलो, आज हम लोग जा रहे हैं धनबाद। तो धनबाद जाएंगे, इससे पहले हम अपना टोपी लेंगे और इसका कारण हम आपको हम बता देंगे डिस्क्रिप्शन में कि किस वजह से हम आज टकला हुए हैं, मतलब जो भी समझिए। तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं तो धनबाद जाएंगे, तो उससे पहले हम टोपी कर देंगे अपना, क्योंकि बाल इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी लोग भी आया था ले जाने के लिए, तो बोले चलो। और साथ में ये भी बोल रहा था कि भाई इस भाषा में ब्लॉग मत बना, मतलब हिंदी छोटा भाषा में बनाते थे अपना ब्लॉग, बोलता था कि नहीं इस भाषा में मत बना। तो हम लोग ठीक है, चल रहे यार, किस चीज़ से बोल ले रहे, कोई बात नहीं। तो अभी हम मनीष जी आए, देखो हमारे दोस्त हमारे दोस्त हम लोग जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, करते ना लेगा तुम जैसे। अभी देख सकते हैं यहाँ पीयूष है और तुषार और यहाँ अनुराग और पीछे सुमित है। इससे पहले हम चार नंबर जाएंगे, चार नंबर से थोड़ा टोपी उठी लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे धनबाद। चलिए मेरे को जानता नहीं। फोन करके बुलाओ, क्या हुआ नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अभी हम घर आ गए, तो आप भी जान सकते हैं अभी थोड़ा किस हालत में हम अभी वहाँ से आ रहे हैं। जो हुआ था एक्सीडेंट वो खैर वो तो झटके में, मतलब जो है हम चिल्ला रहे थे, मतलब उस टाइम मतलब क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया। तो वहाँ पर हम जैसे ही रोके, उस वीडियो को तो आप देख के आपको समझ में आया होगा कि हम लोग पूरा गलती हम ही लोग का है और ठोक दिए। तो खैर गलती तो है, बाकी फिर भी हम लोग पूरा कोशिश किए थे कि उनको चोट ना लगे, बाकी जो होना था तो हो गया ही हुआ। तो फिर भी हम लोग जो दोस्त था वो मेरा काफ़ी, उसको भी चोट आई थी थोड़ा, तो डर के मारे वो भी आगे, मतलब वो गाड़ी लेके चला गया, हम वहीं रुक गए, उन अंकल को उठाए। तो बात उठ हुआ, बोला कि नहीं इसका थाने ले चलो, ये ले चलो। तो हम बोले ठीक है अंकल, आप मेरा से गलती हुआ, हम अपसेट कर लिए कि हमसे गलती हुआ, हाँ हमसे दोस्त से भी हुआ। तो बुला रहे थे, मतलब बुला उसको, ऐसे वैसे पूरा बोल रहे थे। तो हम बोले देखिए अंकल, आओ कॉल भी करेंगे तो आएगा नहीं, क्या कि हालांकि दोस्त था हमारा, तो थोड़ा बचाना मेरा भी फर्ज बनता है, अब जो हो गया तो उसको लेके क्या करें। बट हम लोग को इतना गलती नहीं था इसमें कि, मतलब अब गलती रहे या ना रहे खैर तो बात की बात है। बाकी अरे कहना क्या चाहते हो, फिर भी हम उन अंकल को बैठाए और पूछे भी कि अंकल क्या चोट उट लगा ज़्यादा, तो बोले हम लोग गलती से मतलब लग गया और ये हादसा तो गलती में हुआ होता ही है। तो फिर भी तो वहाँ का सब आदमी बोलने लगा कि नहीं ऐसा क्यों किया, मतलब चला रहा था ऐसे वैसे, मतलब जनरली हम लोग 20 या 25 के स्पीड में ही थे और जा रहे थे। तो अचानक से ही, मतलब वो बुजुर्ग आदमी थे, अचानक से ही मतलब बीच में आ गए, तो थोड़ा हो गया। तो बस उनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आपको देखे होंगे वीडियो में कि मतलब जो हैंडल है, हैंडल से उनको थोड़ा ठेस लग गया था, बस उसी कारण वो गिर गया, उनका थोड़ा माथा में चोट आया और थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का से छिलाया, बस गिरने की वजह से, ऐसा नहीं कि उनको मार के और पूरा एकदम निकल गया। बाकी बट सोचे थे
चलो वीडियो बनाया है तो इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। और बाकी हमको डर भी लग रहा था, बस कि सब आदमी वहाँ हमको पकड़ लिया। फिर बोले कि देखिए अंकल, इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है, मतलब बोले उनको समझा, अब जो तुम्हारा हो तो चला गया। फिर हम बोले कि ठीक है अब चलिए इनको हम दिखा देते हैं। तो इन लोग गए दिखाने के लिए, कुछ ऐसा आदमी भी हम लोग को ऐसा मिल गया था ना कि मतलब पैसा नोचने वाला आदमी आ गया था, मतलब अब बोल रहा चलो थाना यहाँ चलो वहाँ चलो। हम बोले ठीक है आपको जहाँ ले जाना है वहाँ चलिए, हम जाने के लिए तैयार थे। अब गलती था तो भाई मान रहे थे। तो फिर गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सब गया, सब भीड़ उड़ हटा, हॉस्पिटल में गए तो अंकल को बोले अंकल आपको ज़्यादा चोट लगा, तो बोलिए हम लोग क्या कर गलती हुआ, तो मान रहे थे। तो बोले कि बेटा उतना ज़्यादा नहीं लगा, बाकी एक दो जो आदमी थे वहाँ का वो बोल रहे थे कि ने उस लड़का को बुलाओ, उस लड़का को बुलाओ। हालांकि उसको भी थोड़ा सा चोट आ गया था इसी कारण उन्हें आने, तो वो भी आ ही रहा था, तो हम उसको बुलाए थे कॉल करके तो आ ही रहा था। तो फिर जब हम गए हॉस्पिटल में, हम लोग गए उनका थोड़ा इलाज उलाज करवाएं, तो फिर उसके बाद जब वो इलाज करवाएं तो थोड़ा आए उधर से कोई दो तीन लड़का आए, बोला कि इतना खर्चा हुआ, मतलब करीब हम दो तीन हज़ार बोल रहे थे। तो हम बोले कि क्या क्या गज के सुइया लगाए अंकल थोड़ा बता दीजिए हमको, हम एक पूछ लेते हैं। तो वो लोग हमसे पैसा नोचने के फिराद में थे, बट जो अंकल को चोट लगा था तो वो बोले कि नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, जो 100 रुपया है बस सुइया वुइया दी है मैम, उसका 100 रुपया लगा हॉस्पिटल में, बाकी बात काम हो गया। हम बोले कि चलो क्या बोले बोले फिर भी उनसे पूरा माफ़ी मांगे हम लोग कि अंकल अब गलती से हो गया। बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, बाकी फिर भी अब वो बुजुर्ग आदमी थे वो गिर गए। तो क्या बोले, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बट वो दिल से बुरा लगा, और अभी भी दुनिया में अच्छाई है और हमको पता है, और इसीलिए चलिए जय हिंद जय भारत। अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।